अजमेर देहात के भाजपा जिलाध्यक्ष बीपी सारस्वत ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। सारस्वत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में कुछ लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन कांग्रेसी नेता उन्हें भाजपा कार्यकर्ता साबित करने में लगे हुए हैं। सारस्वत ने आरोप लगाया कि लोगों को नरेगा और आंगनबाड़ी के कामों से कांग्रेस की सभाओं में लाया जा रहा है। साथ में उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक वीडियो है जिसमें लोगों को मस्ट्रॉल में नाम जुड़वाने के नाम पर सचिन पायलट की सभा में लेकर जाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में सारस्वत ने कांग्रेस को मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, अजमेर की जनता को सावचेत करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने तो हमारी योजनाओं को बंद किया, पर गलती से भी जिसकी कोई संभावना नहीं है, अजमेर में कांग्रेस जीत गई तो ये जो स्मार्ट योजना है, स्मार्ट सिटी योजना, इसको खत्म करेंगे। प्रसाद योजना है, इसको खत्म करेंगे। हृदय योजना है, इसको खत्म करेंगे। और इसलिए अजमेर शहर, अजमेर देहात, लोकसभा के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि ये जो छुट्टियां मनाने आए हैं नेता अजमेर में, इनकी छुट्टियां 29 को खत्म हो जाएगी और ये बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्मानीय भागीरथी